देवता लाइफ फाउंडेशन ये नागपुर शहर की एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए काम करती है। इस संस्था की ओर से कुछ दिन पहले ही 1 रुपया दान कैंसर मुक्त अभियान चलाया गया था। इस अभियान का समारोप कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। नागपुर शहर में बड़ी संख्या में सामाजिक संस्था है, मगर देवता लाइफ फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो कैंसर पीड़ित बच्चों के लिए काम करती है। उनके इलाज दवाई के साथ दत्तक योजना भी ये संस्था चलाती है। कैंसर पीड़ित बच्चों के मदद के उद्देश्य से देवता लाइफ फाउंडेशन की ओर से 1 रुपया दान कैंसर मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें शहरवासियों ने बड़ी संख्या में मदद की। इस अभियान का समारोप कार्यक्रम शनिवार को संस्था के मुख्य कार्यालय शिवाजी नगर में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में राजकारणी माधवी लता, सेवा सदन शिक्षा संस्था की अध्यक्षा कांचन गडकरी, नागपुर महिला क्लब की अध्यक्षा विलासिनी नायर उपस्थित हुए थे। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में देवता लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर बाव ने उपस्थित थे। कि शायद इसको और प्यार करूं तो ये नफरत करना बंद कर देगा। यहां भारत माता ने किसी को आज तक सख्ती से कड़क से सजा नहीं दी है। अगर आप देखा जाए कि जिस प्रकार के हादसे यहां पर होते हैं बच्चों पर, स्त्रियों पर, युवा पीढ़ी के ऊपर, अगर यही हादसा किसी और देशों में होती है वहां कड़क से कड़क सजा मिलती है, बड़ी निर्दयता से सजा मिलती है। लेकिन ये सिर्फ भारत माता ही है, यहाँ पर गलत करने वालों से ही बदलने का उम्मीद रखती है। इसीलिए भारत माता स्वयं भू माता के समान है, बराबरी है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज नागपुर।